हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। नेदरलैंड्स के एक एम्बेसडर है जिनके तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया जो काफी अटपटा था। उन्होंने भारत को ये कहा कि आप लोगों को इस तरह से वोटिंग नहीं करनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो अपने आप में ही खुद काफी अटपटा है, क्योंकि एक दूसरा देश हमें क्यों बोलेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और हमें डिक्टेट करेगा ही क्यों। बट कुछ समय बाद भारत के तरफ से ऐसा जवाब दिया गया कि नेदरलैंड्स खुद ही धीरे धीरे पीछे हट गया। दरअसल नेदरलैंड्स के कार्ल वान ऑस्ट्रोम, जो नेदरलैंड्स के राजदूत हैं ब्रिटेन को, उन्होंने ये अटपटा बयान दिया। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में त्रिमूर्ति साहब, उन्होंने ट्वीट करके कुछ पॉइंट्स रखे थे कि आने वाले यूएनएससी मीटिंग में वो ये बातें बोलेंगे रिगार्डिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। इसके रिप्लाई में कार्ल ने आके एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जो भाषा यूज की थी वो उस फोरम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। त्रिमूर्ति साहब को उन्होंने बार बार यू करके बोला और कार्ल ने असल में ये कहा कि भारत को यूनाइटेड नेशन में जब वोटिंग हो रही थी अगेंस्ट रशिया, उसमें एब्सटेन नहीं करना चाहिए था। बात इतनी सी है कि अगर आप कोई चीज़ से नाखुश भी है तो उसे बोलने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी को यू यू करके इंटरनेशनल फोरम पे बोलेंगे तो ऑफ कोर्स वो किसी भी देश को पसंद तो आने नहीं वाला। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ही बात करें तो आज तक उन्होंने जितने भी रेजोल्यूशन पास किए हैं या जो भी सैंक्शंस लगाए हैं उससे रशिया यूक्रेन का युद्ध तो रुका नहीं, ना यूनाइटेड नेशंस अंत में कुछ कर पाया। तो फिर इसके कुछ समय बाद कार्ल के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए त्रिमूर्ति साहब ने ये कहा कि आप हमें पेट्रोनाइज मत करिए, हमें पता है हमें क्या करना है। अब इंडिया की आप सब पावर ही देख लीजिए कि चंद घंटों के बाद ही अचानक कार्ल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। दरअसल अगर हम लोग थोड़ा डीप डाइव करें और ये सोचे कि कार्ल ने ऐसा ट्वीट किया ही क्यों होगा, तो उसका एक रीजन हो सकता है मीडिया। कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत बार ये छापती है कि भारत रशिया की मदद कर रहा है, भारत रशिया की सहायता कर रहा है, तो जो लोगों को अंदर की बात नहीं पता है कि आखिर माजरा क्या है या चल क्या रहा है, वो लोग तो यही सोचेंगे कि भारत बस अंधे तौर पर रशिया की मदद कर रहा है। उसीलिए शायद कार्ल ने भी ऐसे ट्वीट किए। मगर उनके ट्वीट डिलीट होने का कारण तो साफ साफ है कि उनके ऊपर या फिर हायर अप से उन्हें ऑर्डर आया होगा कि ऐसी बेकार और बेतुकी बातें नहीं करने। क्योंकि अगर इंडिया और नेदरलैंड्स की हिस्ट्री देखें, अभी कुछ समय पहले ही राजनाथ कोविंद जी नेदरलैंड्स में थे, अब अप्रैल के महीने में, और वहां पे भी बहुत अच्छी बातें हुई और नेदरलैंड्स और भारत ने भी बहुत सी डील साइन की ग्रीन एनर्जी और अलग अलग क्षेत्रों में। इन द एंड आप सबको ये बताएंगे कि अगर यही सेम घटना हुई होती 10 या 20 साल पहले तो हालात ये नहीं होते और कार्ल को ये ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ता। बट अब भारत का जियोपॉलिटिकल गेम इतना स्ट्रांग हो गया है और हमारी जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि दूसरे देशों को ना चाहते हुए भी कई बार अपनी गलती माननी पड़ती है और हमारे सामने झुकना ही पड़ता है, क्योंकि एक पल को तो हम यूनाइटेड नेशंस या फिर अमेरिका की भी नहीं सुनते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।